Alright guys, today we are going to focus on a very important point which according to you and according to me is an essential if you are an actor, okay? Alright, so today I'm going to tell you how to find a casting director. Once you have found out who is the casting director for a specific show or a film or whatever, then how do you approach a casting director? And once you have approached the casting director, how do you present your profile to them? In short, how can you mail them? So these are the three points. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sonal. How are you all? कैसे हो आप लोग? Alright guys, तो आपके कल के comments मैंने पढ़े अपने last video पे, fourth episode पे. उससे पहले भी first, second, third पे पढ़े. And I am so proud of all of you क्योंकि आप लोग वो सारे points जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सारी advices मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लोग अपनी life में inculcate कर रहे हो. And I'm really happy about it. So I thought कि okay, as a bonus, क्योंकि आप लोग सब कुछ कर रहे हो, तो मैं अपना वीडियो next week की जगह आज लेकर आती हूँ. So now, without wasting any time, let's get into it. Alright, so now let's first talk about how to find a casting director. Guys, I want to ask one thing. Do you have any idea how lucky you are? आपको थोड़ा सा भी idea है इस बात का? You know why? क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल आप 5 साल पहले अगर एक्टिंग करना चाहते हैं, उससे पहले भी, तो सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था. एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज कास्टिंग फॉर व्हाट, हु इज डूइंग व्हाट, ईच एंड एवरीथिंग इज सोशल मीडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी रियली 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 हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ओके, आपने इस टाइम पे एक्टिंग शुरू की है या आप करना चाहते हो. क्योंकि अगर बेटा आपने पहले की होती ना, तो मतलब जूते घिस जाते लेकिन पता नहीं चलता कि कास्टिंग कर कौन रहा है. कंसिडर योर सेल्फ वेरी लक्की फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड नाउ आपकी जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत कम हो गई है क्योंकि आपको आधी इन्फॉर्मेशन तो अपने घर पर बैठ के इंटरनेट के थ्रू मिल रही है. देन वॉट एल्स डू यू वॉन्ट, राइट? सिर्फ आधी मेहनत करनी है. सो यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट. नाउ लेट मी टेल यू हाउ डू यू फाइंड आउट अ कास्टिंग डायरेक्टर. सो पहले भी मैं बता चुकी हूँ बट मैं अगेन बता देती हूँ आप लोगों को. सबसे पहले तो गूगल से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है. गूगल के पास सारी चीज़ों के जवाब है. ऐसा कुछ है नहीं जो गूगल के पास नहीं होगा, मम्मी के नुस्खों के अलावा. बट येस, आप गूगल करोगे, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वन थिंग. एज अ टीनेजर आपको किस तरह के शोज में इंटरेस्ट है या फिर आपको किस तरह का काम करना है. सपोज अगर आपको बालवीर जो शो आता है सब टीवी पे, वो करना है, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ बालवीर. सिमिलरली अगर आपको कोई और प्रोजेक्ट करना है, तो आपको पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में पता करना पड़ेगा कि आपको मूवीज करनी है, कि आपको फिल्म्स करना है, कि आपको सीरियल्स करना है. फिल्म्स और मूवीज एक ही होता है ना? ओके, आपको फिल्म्स करनी है, आपको सीरियल्स करना है, आपको एड्स करना है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. नाउ वंस यू नो कि आपको क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बालवीर. तो आप क्या करोगे, गूगल पे लिखोगे बालवीर फुल कास्ट, ठीक है? जब आप ये लिखोगे तो IMDb पेज खुल जाएगा, उस पर जाओगे एंड आपको पता चल जाएगा कि उसका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है. अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है, तो आप क्या करोगे, जो शो के क्रेडिट्स आते हैं ना, मतलब जब शो चल रहा होता है टीवी पे, तो लास्ट में जो क्रेडिट्स आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं. हाँ, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कब आते हैं, कुछ के पहले आते हैं, कुछ के बाद में आते हैं. सो आपको वहाँ से पता चल जाएगा. सो सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली मेड थिंग्स रियली ईजियर फॉर यू. सो आप इस तरह से पता कर सकते हो. एंड सिमिलरली सारी फिल्मों की, सारी चीज़ों के आप पता कर लोगे कि किसका कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, क्योंकि हर किसी पे क्रेडिट लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो आप सारे शोज़ आपके फेवरेट, आपकी सारी मूवीज़ जो भी आपकी फेवरेट है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो एड्स हैं, वो सारी चीज़ें आप पता करोगे गूगल करके, सोशल मीडिया पे, IMDb, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. सो सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, काम के लिए करो, टाइम पास करने के लिए नहीं. मतलब चैटिंग मत करते रहना, ठीक है ना? जाओ सोशल मीडिया पे, पता करो कि कौन किसकी कास्टिंग कर रहा है. एंड यस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट. नाउ यू नो कि किसकी कास्टिंग कौन कर रहा है, इस शो की कास्टिंग कौन कर रहा है, इसकी कास्टिंग कौन कर रहा है, आपको आइडिया लग गया है. अब क्या करोगे, आपके पास नाम है कास्टिंग डायरेक्टर्स के या फिर कास्टिंग टीम में जो कुछ भी है, जो भी लोग हैं उनके आपके पास नाम है, राइट? अब उन नामों को आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे करोगे सर्च. और ऑब्वियसली आज के टाइम पे हर कोई इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर होता ही होता है. इट्स वेरी रेयर कि कोई ना हो, ठीक है? सो विच इज़ गुड फॉर यू. आपको क्या करना है, उनकी जाके आप प्रोफाइल देखो, उस पर आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से करेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं करेंटली, क्या क्या उनको किस किस तरह के एक्टर्स वो देख रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं.
तो आपको ये पता चलेगा, वहाँ पर ईमेल आईडी भी कहीं ना कहीं मेंशन होगी, और अगर मेंशन नहीं होगी अब आप करोगे उनको एक मैसेज, ठीक है। तो मैसेज में मैं आपको बता देती हूँ, यू आर नॉट एन ई बैगर, आप उनसे बैग नहीं करोगे कि हमको काम दे दो काम दे दो काम दे दो। अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल इक्वेशन, यू आर एन एक्टर, द पर्सन इज अ कास्टिंग डायरेक्टर, यू बोथ नीड ईच अदर। इट्स नॉट लाइक दैट उनको आपकी ज़रूरत है या आपको ही उनकी ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट होगा ना, तो आपकी प्रोफाइल देखकर, आपका मैसेज देखकर वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी। आपको करना है एक छोटा सा मैसेज, स्वीट सिंपल सा मैसेज, ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो हाय आई एम एन एक्टर, या फिर हाय आई एम एन एस्पायरिंग एक्टर, माय नेम इज़ सो एंड सो एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी, मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। अपने बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ, कथा मत लिख देना इतनी बड़ी, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ जिससे उनको पता चले कि हाँ आप एक्टर हो, तो मे बी वो आपकी प्रोफाइल जाकर देखें या फिर नहीं देखें, बट स्टिल दे विल प्रोवाइड यू एन ईमेल आईडी। सब नहीं करते हैं बट मोस्टली लोग कर देते हैं। तो इमेजिन इफ यू आर सेंडिंग द मैसेजेस टू 100 पीपल, एटलीस्ट 10-12 तो करेंगे ना रिप्लाई, विच इज़ अ गुड रेशियो, ठीक है। तो या दिस इज़ वन वे। ऑल राइट, अब मैं आपको बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट जो लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू राइट नाउ, ठीक है। लोग भागते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के पीछे, राइट, लेकिन आप भागोगे कास्टिंग असिस्टेंट्स के पीछे, कास्टिंग इंटर्न्स के पीछे, क्योंकि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर होता है उनकी टीम होती है 2 लोगों की 3 लोगों की, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डू दे हैव करेंटली, राइट। तो आप क्या करोगे, कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इतने लोग फॉलो कर रहे होते हैं, इतने फेमस होते हैं, इतने बिजी होते हैं, या फिर जो भी रीज़न है, सबको रिप्लाई नहीं कर पाते, बट अगर आपको पता है कि उनके असिस्टेंट्स कौन हैं या फिर उनके कास्टिंग इंटर्न्स कौन हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू अप्रोच देम एंड गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देम। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर की जगह अगर आप उनके असिस्टेंट्स को मैसेज करोगे, इंटर्न्स को मैसेज करोगे, या कास्टिंग टीम में किसी और को मैसेज करोगे, तो आपको मैसेज आने के चांसेस, रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। And I think this is a very good tip. Now you say कि कैसे पता करें कि कौन किसका असिस्टेंट है, तो सोशल मीडिया के टाइम पे हर कोई अपने काम के बारे में पोस्ट करना चाहता है, भले वो एक कास्टिंग डायरेक्टर हो, एक एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तो हर कोई अपनी टीम के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करता है, या फिर जो वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई पोस्ट होता है प्रोजेक्ट का, तो उसके नीचे टीम का नाम लिखा होता है कि किसने क्या किया है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। एंड बाकी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम प्लीज़ ना आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर दे दीजिए, या फिर दिया आप मुझे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दे दीजिए। इफ़ यू आर एसोसिएटेड विथ मी, देन आई थिंक आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करके डिसअपॉइंट कर रहे हो। आई डोंट थिंक कि माई टीम इज़ रियली वीक कि उनको हर एक चीज़ पकी हुई चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी लोग मुझसे एसोसिएटेड हैं उनमें इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनमें इतनी काम करने की व्हाट डू वी से भूख है कि वो खुद चीज़ें कर सकते हैं। यार अगर आप 5 साल पहले मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर दो, अगर आप आज के टाइम पर एक्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि नहीं यार हमें तो पता नहीं है कैसे कास्टिंग डायरेक्टर को फाइंड आउट करें, आई डोंट नो कैसे क्या किया जाता है, कैसे अप्रोच करें एंड ऑल ऑफ दैट, देन आई वुड से कि नहीं यार मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद यू। यू हैव टू डू योर होमवर्क, यही तो होमवर्क है ना। मतलब आपको जो 50% चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद भी अगर आप मुझसे बोलो कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स ला के दूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अनफेयर। मतलब फिर तो ये हो गया कि मैं आपको पूरा होमवर्क भी करके दे रही हूँ, समझा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। यू नो व्हेन यू विल मेक मी प्राउड, जब आप बोलोगे ना कि मैंने आपके वीडियोज़ देखी थी और मैं बहुत इंस्पायर्ड था, मैंने खुद कास्टिंग डायरेक्टर्स को फाइंड आउट किया, मैंने खुद ये किया, तो मुझे बहुत खुशी होगी, लिटरली बहुत खुशी होगी कि आपने खुद से मेहनत की है। तो यार डिसाइड कर लो कि आपको मुझे प्राउड फील कराना है या फिर आपको मुझे डिसअपॉइंट करना है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप मुझसे आगे भी पूछोगे ना, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। इतना इजी हो गया है आज के टाइम पे, मतलब समबडी जिसको कोई नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का, अगर वो इंसान भी इंटरनेट पर बैठेगा तो आई बेट कि वो 50% कास्टिंग डायरेक्टर्स की डिटेल्स घर पे बैठ के निकाल सकता है। और अगर कोई ऐसा इंसान निकाल सकता है ना, तो आई एम रियली श्योर कि आप तो निकाल सकते हो, आप लोग स्मार्ट हो यार, ठीक है। तो मेहनत करो, ऐसे मत बोलना कि नंबर दे दो, ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक है। ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ कि आपने फाइंड आउट कर लिया कास्टिंग डायरेक्टर्स को, आपने उनको अप्रोच कर लिया, अब बारी आई उनको प्रोफाइल भेजने की, क्योंकि आपने उनको मैसेज किया था कि आप अपनी ईमेल आईडी शेयर करिए प्लीज़, है ना। तो उन्होंने अपनी ईमेल आईडी शेयर की है सपोज, एंड अब आपको उन्हें अपना मेल भेजना है। अब आप मेल क्या भेजोगे, जो मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था कि एक एक्टर की जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है, तो वही मेल होना चाहिए, ठीक है।
आप लोगों ने आई होप प्रोफाइल बना ली हो, अगर नहीं बनाई हो या वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई पुट इट समवेयर अप, तो आप एक बार फिर से देख लेना एंड वही प्रोफाइल अब आप कास्टिंग डायरेक्टर को भेजोगे, ठीक है। अगेन मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, बहुत लंबे मैसेजेस नहीं करोगे कास्टिंग डायरेक्टर को, मेल करने के बाद 1 महीने 40 दिन वेट करोगे, क्योंकि क्या होता है कास्टिंग डायरेक्टर्स या कास्टिंग टीम हर किसी को रिप्लाई नहीं करती कि हाँ हमें आपका मेल मिल गया, हाँ मेल मिल गया, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्लाई करती है जो उनके क्राइटेरिया में, उनके कैरेक्टर्स में फिट होते हैं। तो आप बार बार उनको फिर सोशल मीडिया पे या फिर ईमेल पे बोलोगे नहीं कि हमने आपको कल अपनी प्रोफाइल भेजी थी, आपने तो मेल नहीं किया, तो वो इरिटेट हो जाएंगे और हो सकता है कि आगे वो फिर आपको कॉल ना करें। मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, तो आपको बहुत डिसेंटली बिहेव करना है। आपने एक बार मेल भेज दिया, अब भूल जाओ, अब बाकी जगह भेजो, अपनी एक्टिंग पे काम करो, ऑल ऑफ दैट, बट उनको बार बार पिंग मत करो। हाँ, अगर 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, उसके बाद भी कुछ खबर नहीं आई, तो एक बार दोबारा से मेल ड्रॉप कर दो अपना, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो तो आप नॉर्मल भेजोगे ही, लेकिन आपकी जो वीडियोज़ हैं और आपकी जो इंट्रो वीडियो है, ऑडिशन वीडियो और इंट्रो वीडियो, उसका यूट्यूब लिंक बनाकर ही भेजना, ऐसे ही मत भेज देना, वरना फाइल्स आपकी हो जाएंगी बड़ी और हो सकता है कि वो देखें ही ना। अगर बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं, ड्राइव के थ्रू जाती हैं, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि वो इग्नोर हो जाए। तो मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ, यू कैन टेक इट, एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस एपिसोड। ऑलराइट गाइस, सो वी आर डन विद दिस एपिसोड। आई होप मैंने आपको समझा दिया सब कुछ अच्छे से। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हों, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हों तो मुझे बताओ कॉमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ मेक मी फील प्राउड यार। मतलब ये सिली क्वेश्चंस पूछने की जगह आप खुद मेहनत करो ना थोड़ी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं ये सारे वीडियोस इसीलिए तो बना रही हूँ ना कि आप देख देख के सीखो कि कैसे होती है प्रोसेस, क्या होता है। आई वुड रियली 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 बी प्राउड ऑफ यू अगर आप ये लोग खुद से सब कुछ करोगे। अगर आप खुद से करोगे तो मैं नेक्स्ट मंथ में ना कुछ अच्छे कोऑर्डिनेटर्स और कुछ अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स की डिटेल्स लेकर आपके पास आ जाऊंगी, बट ओनली व्हेन आई फील कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोना गो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ़ यू लाइक इट, मुझे बताओ कि क्या अच्छा लगा एंड क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। मुझे बताओ कि आप करोगे मेहनत या नहीं करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के अभी, ओके। एंड गाइस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई पोस्ट रेगुलर अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम अबाउट कास्टिंग एंड अबाउट माई रिक्वायरमेंट। तो आप लोग फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंड वॉट आर द कैरेक्टर्स आई एम लुकिंग फॉर, एंड आई थिंक दैट्स इट। बाकी तो फिर हम मिलते हैं जल्दी, और कुछ भी क्वेरीज हो तो बताना। आई थिंक मैं संडे को लाइव आ रही हूँ, टाइम कन्फर्म नहीं है बट समवेयर अराउंड 6 PM, तो फ्री रहना तब, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या तो आप तब पूछ लेना, और अगर आप लाइव नहीं आ सकते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर देना, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोना गो एंड टेक केयर।